जय श्री राम मित्रों, जब मंदोदरी लंकाधीश रावण को समझाती हैं, जब राक्षसों ने रावण को समाचार दिया कि समुन्दर पर सेतु बंध गया है, तो रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा, बांधे बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कपति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु तयो निधि वारिश कपति उदधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया है। रावण अपनी व्याकुलता को विचार कर महल में गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु राम ने समुद्र को बांध लिया है। वह मनोहर वाणी से रावण को कहने लगी कि वैर उसी से करना चाहिए जिससे आप बुद्धि और बल में जीत सकें। आप में और रघुनाथ में वैसे ही अंतर है जैसे जुगनू और सूर्य का। उनका जन्म पृथ्वी का भार हरने के लिए हुआ है। आप जानकी श्री राम को सौंप कर पुत्र को राज्य देकर वन जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करें जिससे मेरे सुहाग अचल हो जाएं। रावण मंदोदरी से अपनी प्रभुता कहने लगा, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर देवता दानव वरुण कुबेर यमराज आदि दिक्पालों को तथा काल को भी जीत रखा है, तुम्हें भय किस कारण उत्पन्न हुआ है। मंदोदरी जान गई कालवश होने के कारण ही उसके पति को अभिमान हुआ है। रावण और प्रहस्त संवाद। सभा में जब रावण ने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु से किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, मंत्री कहने लगे कि इसमें विचार क्या करना, मनुष्य भालू और वानर हमारा भोजन है। रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। मंत्रियों की बुद्धि थोड़ी है। एक बंदर समुद्र लांघकर आया, उसका चरित्र सब जानते। उस समय किसी को भूख न लगी, बंदर तो तुम्हारा भोजन है। नगर जलाते किसी ने नहीं पकड़ा। वह खेल में समुद्र बांध और सुवेल पर्वत पर सेना सहित उतरे हैं। मुझे कायर न समझो, नीति अनुसार दूत भेजकर सीता जी को श्री राम को दे दीजिए। अगर स्त्री पाकर वह लौट जाए तो झगड़ा न बढ़ाएं, यदि फिर भी ना फिरे तो हट पूर्वक मार काट करें। रावण ने गुस्से में पुत्र से कहा कि तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई, मुझे संदेह हो रहा है कि तू बांस की जड़ में घमोई क्यों हुआ। पिता के कठोर वचन सुनकर प्रहस्त यह कहता हुआ सभा से चला गया कि मृत्यु के वश व्यक्ति को दवा नहीं सुहाती। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए प्रसंग को लेकर, तब तक के लिए रटते रहिए। राम राम, जय श्री राम।